हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पार्ट 6 मेडिवल हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर का। अगर किसी ने पिछले 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 194, 193 तक मैंने करवा दिए थे 4-5 पार्ट के अंदर, अभी पार्ट नंबर 6 है ये। विच ऑफ द फ्लोविंग सुल्तान अडोप्टेड पर्शियन कस्टम एंड मैनर्स इन कोर्ट। पर्शियन जो कस्टम है वो किसने यूज़ किया था, किस सुल्तान ने, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उसका बलबन ने। ठीक है, इसने जो है ये बलबन कौन था, जो 40 चहलगामी जो ग्रुप था उनमें से एक था ये। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड था 1216 से लेकर जो है 1286 तक रहा था, राइट। अगर इसका पूरा नाम पूछे तो ग्यासुद्दीन बलबन नाम था इसका पूरा। और उसकी जो न्याय, जो वो न्याय करता था ना, मतलब कि जो जस्टिस था उसके अंदर बहुत जो है बिल्कुल अनबायस था उसका, कोई पक्षपात नहीं होता था उसके अंदर, और दंड जो है बहुत ज़्यादा कठोर देता था ये। ठीक है, इसलिए जो है इसको कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है इसको लेकर आया था ये। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 195। फेमस बैटल ऑफ टेलीकोटा वॉज फाउट इन। टेलीकोटा की जो लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। बहमानी किंगडम वर्सेस विजयनगर एम्पायर। ठीक है, बहमानी किंगडम जो है इसमें जीत गया था, और जो रामा राय था, जो विजयनगर एम्पायर का जो राजा था रामा राय, उसको जो है पकड़ लिया गया बहमानी किंगडम किंग के द्वारा, और उसको जो है फिर उसका जो है सर कलम कर दिया गया था, मतलब उसका सर काट दिया गया था। 1565 में लड़ाई हुई थी यार। ठीक है, 1565 के अंदर, राइट, इसका आंसर हो जाएगा 1565। आगे है क्वेश्चन नंबर 196। हु अमंग द फ्लोविंग सक्सीडेड औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आया था, क्वेश्चन ये है। तो उसके बाद उसका आया था मोजम, मोजम था इनका नाम। ठीक है, और ये जो है 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ठीक है, और इस मोजम का दूसरा नाम पता क्या है, मोजम का दूसरा नाम था बहादुर शाह, जिसको बोला गया था बहादुर शाह, राइट, बहादुर शाह। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 197। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया। बीबी का मकबरा कहाँ पर रहेगा आपका, राइट आंसर इज औरंगाबाद, औरंगाबाद में रहेगा। ठीक है, 197 का हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में, राइट। और जो है ये बीबी कौन थी, ये जो है औरंगजेब की वाइफ थी, राइट। आगे क्वेश्चन 198। वेयर डिड औरंगजेब डाई। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी, थे वो हुई थी अहमद नसार जगह पे। ठीक है, अहमद नसार राइट आंसर हो जाएगा इसका 3, अहमद नसार इज राइट आंसर। ठीक है, और 88 की एज में जो इसकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की, 1907 तक ये रहा था, 1707 तक। ठीक है राजा, और जो है ये शिष्य था किसका, निजामुद्दीन औलिया का जो है शिष्य था औरंगजेब। ठीक है, आगे हम करें 199। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा वाज। किसके रिक्वेस्ट पे, खुद की रिक्वेस्ट की उसने ऑब्टेन किया एक लेटर पदरोहण समारोह में आने का। ठीक है, जो भी है, तो ये जो है कौन था जिसको ये मिला था, ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर, और इसको जो मिला था ये 1229 AD के अंदर मिला था इसको ये पत्र एक खलीफा के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 200। मैच द फ्लोविंग्स आगरा फोर्ट। ये मैच करने आपको किस रूलर ने बनवाए थे। ठीक है, आगरा फोर्ट बनवाया था अकबर ने, और ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, और पुराना किला जो था शेरशाह जो है सूरी ने बनवाया था, राइट। और अगर इसमें बात करें आगरा फोर्ट का बनाया था, तो वो बनाया था 1573 के अंदर। ठीक है, अगर पूछिए आपको ताजमहल 1632 में जो है इसको बनवाया था, राइट, शाहजहां ने। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 201। हु अमंग द फ्लोविंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी का मतलब होता था रैंक। ठीक है, मनसबदारी का मतलब होता था रैंक। तो ये किसने स्टार्ट की थी, ये था अकबर, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट। मनसबदारी में रैंक या रैंक होल्डर होता है। ठीक है, इसको जो है अराउंड 1575 में जो है अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, रैंक के हिसाब से ही उनकी सैलरी मिलती थी उनको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 202।
द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई, मार्केट रेगुलेशन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, और ये खिलजी डायनेस्टी का था, ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी इनके चाचा थे, उनको मारकर जो है गद्दी पे बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे थे मतलब, ठीक है, और जो है फिक्स किया था इसने प्राइस को, कमोडिटीज़ जो जो हम घरेलू चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं डेली, उसका जो है इसने फिक्स कर दिया था प्राइस सभी चीज़ों का, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 203, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर रोट देयर ऑन ऑटोग्राफीज, तो ये दो मुगल थे जिन्होंने खुद की अपनी ऑटोग्राफी खुद ही लिखी थी अपनी, ठीक है, एक तो बाबर था जिसने लिखा था बाबरनामा, और जहांगीर ने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी के नाम से है, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 204, अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत की बिलो इन द क्रोनिकोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन सी थी फिर बाद में कौन सी आई, तो इसके फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सिंपल से इसमें एक ट्रिक है, SKTSL, ठीक है, S फॉर स्लेव, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, S फॉर सैयद, L फॉर लोधी, तो स्लेव पहले आएगा, स्लेव के बाद फिर खिलजी आएगा, तो हम कर लेते हैं स्लेव D पे है, और फिर खिलजी A और तुगलक, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए DABC, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 205, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद किसको बोला जाता था इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, तोताए हिंद उन्होंने खुद को अपनी एक उपाधि दी थी, ठीक है, और ये हिस्टोरियन थे, म्यूजिशियन थे, स्कॉलर्स थे, बहुत कुछ थे, ठीक है, राइट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 206, प्रेजेंटली दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू सिचुएटेड नियर, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का राजा था जिसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से तुगलकाबाद, जिसको दौलताबाद कहा, ट्रांसफर कर ली थी उसने, तो वो किसके पास है, क्वेश्चन ये है, तो वो औरंगाबाद के पास है, औरंगाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, राइट आंसर इज औरंगाबाद, ठीक है, और ये 16 किलोमीटर दूर है जो है डिफरेंस है और दौलताबाद का, और 2 साल तक जो है यहाँ पर वो राजधानी बना के रखी उसने, और फिर कुछ कहा जाता है कि स्कॉलर्स के द्वारा कि पानी की कमी की वजह से जो है उसने वहां से फिर छोड़ दिया था, फिर वापस दिल्ली आ गया था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 207, द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडियन वॉज, फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन था इनमें से, तो जो है वो था बाबर, ठीक है, और बाबर ने किसको हराया लड़ाई में, 1526 में पानीपत में लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी को वहां पर इसने हरा दिया था, जिसके बाद इसने जो है मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 208, नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड एट कालीकट, जब वास्को डी गामा 1498 के अंदर, ठीक है, अगर आपसे डेट पूछे तो 17 मई को वास्को डी गामा कालीकट केरल में पहुंचा, ठीक है, वहां पर उसके किस राजा ने जो है उसका जो है उसकी उसको रिसीव किया था, मतलब उसको जो है उसका मेहमान नवाजी की उसकी, राइट, जैमोरिन नाम था उनका, ठीक है, राजा ने, और ये जो है रूलर ऑफ कालीकट थे उस वक्त, ठीक है, और फिर जो है वास्को डी गामा ने वहाँ पर ट्रेडिंग स्टेशन बनाए अपने, एक तो जो है ट्रेडिंग स्टेशन की अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है, एक तो जो है कालीकट में बनाया था अपना, ठीक है, कालीकट हो गया, कन्नूर के अंदर हो गया, ठीक है, और एक आपका जो कोचिन के अंदर था, ठीक है, जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करी थी, और सेटलमेंट कब स्टार्ट की उन्होंने, 1510 में वो सेटल हो गए थे वहाँ पर पुर्तगीज, और 1961 में वो भारत छोड़ा था उन्होंने, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे भारत में, और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे, पुर्तगाली, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 208, ठीक है, द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, रक्षक मतलब होता है सेवियर का मतलब, जिसने रक्षा की थी दिल्ली सल्तनत की, तो वो कौन था, राइट आंसर होना चाहिए ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है, ये चहलगामी ग्रुप में से एक था, ठीक है, उस वक्त जो है दिल्ली सल्तनत सबसे डाउन में जा रही थी, तो उसको उन्होंने उठाने का काम किया था, वो कौन थे, ग्यासुद्दीन बलबन ने, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 210, श्री परम बमधूर एक जगह है, इज द बर्थ प्लेस ऑफ, तो बर्थ प्लेस किसका है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य, ठीक है, अब ये रामानुजाचार्य कौन थे, ये तमिलनाडु से है, जो ये जगह है ये आपकी रहेगी तमिलनाडु के अंदर, राइट, तमिलनाडु में, ठीक है, और जो है श्री रामानुजाचार्य थे ये
हिंदू वैष्णव संत थे, हिंदू वैष्णव संत, ठीक है। और ये वही टाउन है जहां पर 1991 के अंदर जो है राजीव गांधी जी को भी जो है यहीं पर ही मार दिया गया था, ठीक है, राजीव गांधी, राइट। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 211। हु वॉज द दिल्ली सल्तनत टू इम्पोज जजिया इवन ऑन द ब्राह्मीन्स। जजिया टैक्स लगाया इसने, ठीक है, एटलीस्ट ब्राह्मण के ऊपर भी लगाया, ठीक है। और ये था जजिया टैक्स लगाने वाला फिरोज तुगलक, ठीक है। जजिया टैक्स क्या था, जो मुस्लिम नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम ना होने का, ठीक है। और अगर वो सिटी में आते, सिटी में आके रहते, तो उसका भी टैक्स देना पड़ता था उनको बेसिकली, ठीक है। तो मुस्लिमों को कोई टैक्स नहीं देना था, जो नॉन मुस्लिम थे उनको टैक्स वसूल करते थे ये, ठीक है, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 212। विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर। अकबर की दूसरी कैपिटल क्या थी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। आगरा से अपनी कैपिटल किसने कहाँ शिफ्ट कर लिया था, फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर ने, ठीक है। और जो है चित्तौड़ रणथंबोर जीतने के बाद जो है इसने जो है आगरा से फिर जो है न्यू लोकेशन कहाँ शिफ्ट कर ली अपनी, फतेहपुर सिकरी के अंदर, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 213। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ड बाय। सन टेम्पल जो है कोणार्क का किसने बनाया था, नरसिम्हा वन ने बनाया था भाई, ठीक है, नरसिम्हा वन ने बनाया इसको, और इसको ब्लैक पगोडा के नाम से फेमस है ये। अराउंड 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है, नरसिम्हा देवा वन के नाम से फेमस है ये, राइट। और ये जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो है राजा थे ये, और 1250 के अराउंड जो है इसको बनाया गया था, 1250 के अराउंड, राइट। और ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। द टॉम ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट, जहांगीर की जो टॉम है कहाँ पर बनाई है, बनी गई है, कहाँ पर बिल्ड की थी, मतलब उसने जो है तो है लाहौर के अंदर है, ठीक है, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। और लाहौर के बारे में बात करें जो इसकी लाहौर में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 215। वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूर जहान। नूर जहान का ओरिजिनल नेम क्या था, ये था मेहर उर निशा नाम था इनका, ठीक है, मेहर उर निशा। अब ये जो नूर जहाँ कौन थी, ये वाइफ थी किनकी, जहांगीर की, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 216। अकबर हेल्ड अकबर हेल्ड इज रिलीजियस डिस्कशन इन। अकबर जो है वहां पर अपने, कहाँ पर जो अपने रिलीजियस डिस्कशन करता था, वो धर्म सभाएं करता था बैठकर, ठीक है। उसने सभी धर्मों के लिए क्या बनाया था, इबादत खाना, राइट। क्या बनवाया था उसने, इबादत खाना बनवाया था सभी धर्मों के लिए, ठीक है, वहां पर वो रिलीजियस अपनी एक्टिविटीज करता था, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 217। हु सक्सीडेड गुरु नानक। गुरु नानक देव जी के बाद, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे, सिख धर्म के पहले गुरु। और दूसरे नंबर पे कौन आए, गुरु अंगद देव जी आए थे, राइट। तो 217 का हो जाएगा आपका गुरु अंगद देव जी। और इन्होंने जो है गुरुमुखी स्टार्ट की थी। गुरुमुखी क्या है, जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी का जो है एक प्रकार से इन्वेंट करने का इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 218। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 218। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन विच टू आर्मीज। सेकेंड जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो किस किस के बीच में हुई थी। तो वो हुई थी अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, 1556 में, राइट। अगर पहली पूछे तो 1526, अगर थर्ड पूछे 1761, राइट। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 219, ठीक है। और जो है द मोस्ट पावरफुल पेशवाज वाज, मोस्ट पावरफुल पेशवा कौन था, तो वो था बाजीराव, बाजीराव, ठीक है। और 9 पेशवों में से एक था ये, ठीक है। और उसने जो रेड की थी मुगल दिल्ली पे 1738 के अंदर,
मराठा किंगडम अगर आपको पता हो, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और बाजीराव वन नाम था इसका, बाजीराव वन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 220, शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ, शेर शाह सूरी ने किसको हराया, हुमायूं को हराया, कब लड़ाई, इस लड़ाई का नाम क्या था, बहुत फेमस लड़ाई थी, बैटल ऑफ चोसा 1539 में हुई थी ये, ठीक है, और फिर जो है हुमायूं मैदान छोड़ के भाग गया था हारने के बाद, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 221, व्हेन द दिल्ली ऑफ व्हेन द दिल्ली रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन, दिल्ली सल्तनत का रूल कब से कब तक स्टार्ट होता है, 1206 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 1526 तक, ठीक है, यहाँ तक चलता है इनका टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग डायनेस्टीज आई, ठीक है, सबसे पहले स्लेव आए, फिर खिलजी, फिर लोदी और फिर सैयद, और SKT, पहले तुगलक आए, S for slave, K for खिलजी, T for तुगलक, और फिर सैयद और लास्ट में लोदी डायनेस्टी थी। लोदी डायनेस्टी में जो है इब्राहिम लोदी को फिर बाबर ने मार दिया था पानीपत की सेकेंड लड़ाई में, राइट। और ये सारे जो है मुस्लिम तुर्किस किंगडम था इनका, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 222 नंबर, हु इंट्रोड्यूस लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया। देखिए लेदर टोकन करेंसी किसी ने नहीं चलाई, टोकन करेंसी चलाई थी वो भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, कोई लेदर करेंसी नहीं चलाई जा सकती इस इतिहास में, और वो भी ब्रास और कॉपर के चलाए थे उसने, ब्रास और कॉपर के, ठीक है, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 223, व्हेन डिड द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू इन द एंड, दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई, 1526 के अंदर, किसने खत्म की, बाबर ने खत्म किया, किसको मार के, इब्राहिम लोदी को मार के, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 224, हु एबोलिश जजिया टैक्स, जजिया टैक्स को जो है किसने हटा दिया था, एक प्रकार से बंद करवा दिया था, वो कौन था, अकबर। जजिया टैक्स के बारे में मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूँ, जो है ये नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था टैक्स, इसको जजिया टैक्स बोलते थे, ठीक है, अकबर ने इसको बंद करवा दिया था अराउंड, ठीक है, 1564 के अराउंड इसको बंद करवा दिया था अगर पूछे तो, ठीक है। और अकबर थर्ड मुगल था, ठीक है, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, ठीक है। और कम्प्लीटली इसको कब बंद करवा दिया था, 1579 के अंदर, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और आता है आपका कि इसको री इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो था वन एंड ओनली औरंगजेब, ठीक है, 1679 के अंदर जो है इसको दोबारा फिर उसने जो है री इंट्रोड्यूस करवा दिया, और औरंगजेब वही है जिसने तेग बहादुर जी को मारा था, जो सिखों के गुरु थे 9वें, ठीक है। कारण क्या था मारने का, मुस्लिम धर्म ना अपनाना, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 225, विच इज़ द होली बुक ऑफ द सिख रिलीजन, सिख रिलीजन की में से कौन सी होली बुक है, तो सिंपल सी बात है इसमें, जिसको वो 11वां गुरु मानते हैं अपना, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 226, विच ऑफ द फ्लोविंग फोर्ट्स वॉज नॉट बिल्ड बाई अकबर, अकबर के द्वारा इनमें से कौन सा फोर्ट जो है नहीं बनाया गया था, तो इसमें हो जाएगा आपका आगरा फोर्ट बनाया था, इलाहाबाद फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट नहीं बनाया था भाई उसने, ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर ग्वालियर फोर्ट जो है वो जो है मान सिंह तोमर, जो तोमर डायनेस्टी के थे राजपूत, उन्होंने 8th सेंचुरी के अंदर बनवाया था राउंड, ठीक है, मान सिंह तोमर, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 227, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है विच मुगल एम्पायर ट्रांसफर द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा दिल्ली, आगरा से जो है दिल्ली कैपिटल ले गया अपना कौन था, वो शाहजहां था, ठीक है, शाहजहां कहाँ ले गया, आगरा से दिल्ली कैपिटल ले गया, ठीक है। अगर बात करें शाहजहां के भी, तो ये जो है टाइम पीरियड क्या था इसका, दिल्ली को तो जो है इसने कैपिटल बनाया 1638 के अंदर, 1638 के अंदर, ठीक है। अगर इसका टाइम पीरियड कोई पूछे तो शाहजहां का टाइम रहेगा 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है, 1658 तक, शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, जिसने शाहजहां को जेल में डाल दिया था, मतलब अपने पिता को, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 228, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, ताजमहल को जो किसने बनवाया था, तो सिंपल आंसर है शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन किसकी याद में, मुमताज महल की याद में। आगे है मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब्स, वॉज मुल्तान नाम दिया गया अरब लोगों के द्वारा, मुल्तान का मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 230,
विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको। अबुल फैजल ये चीफ एडवाइज़र था भाई अकबर के टाइम में, ठीक है। फैजी पोइट था। बिरबल फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं बिरबल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, टोडरमल, जो टोडरमल था, टोडरमल टोडर टोडरमल जो है वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर था। बिरबल, बिरबल को हम कह सकते हैं ऐसे हिंदू एडवाइज़र था ये, ठीक है। वजीर आजम इसको जो है उन्होंने उपाधि दी थी, ठीक है। और नौ जो है नवरत्नों में से एक था ये, ठीक है। तो बाकी सब सही है, बिरबल जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 231। हु अमंग द फ्लोइंग सुल्तान ट्राई टू प्रोहिबिट सती, किसने जो है ट्राई किया था सती प्रथा को बंद करवाने का, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से पढ़ा लिखा अनपढ़ था, ठीक है। जो भी काम करता था हमेशा उल्टे किए, टोकन करेंसी चलाई वो, उसमें काम गलत हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र अपनी जो है कैपिटल को ले गया दिल्ली से तुगलकाबाद जो है, दौलताबाद जिसको बोला गया इसके द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करें सती प्रथा, सती प्रथा में क्या था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी जो पत्नी है उसको भी साथ में जला देते थे, ठीक है। और इसको बंद किसने किया था 1829 के अंदर, ठीक है। दो आदमी थे, एक था अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और एक था राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने साथ में दोनों ने मिलकर इसको बंद करवाया था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 232। हु अमंग द फ्लोइंग मुगल रूलर बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग, इसने कम्प्लीटली बैन कर दिया था, बंद करवा दिया था बिल्कुल म्यूजिक और डांसिंग को, वो कौन था? औरंगजेब, ठीक है। पसंद नहीं करता था ये कुछ भी ऐसी चीज़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 233। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फाउट बिटवीन विच टू आर्मीज, हल्दीघाटी की लड़ाई किन दो लोगों के बीच में हुई थी? अकबर था एक तो, वर्सेज महाराणा प्रताप, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? राजा मान सिंह था वो, ठीक है, और महाराणा प्रताप थे, ठीक है। लड़ाई कब हुई? जून 1576 के अंदर, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 234। हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टॉम इन दिल्ली, हुमायूं टॉम को जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था दिल्ली के अंदर? हाजी बेगम, हाजी बेगम जो है हुमायूं की टॉम को बनवाया था, ठीक है, हाजी बेगम। अब ये हाजी बेगम कौन थी, ठीक है, ये फर्स्ट वाइफ थी हुमायूं की, ठीक है। हुमायूं कौन? मुगल। किसका इनके लड़के का नाम था अकबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 235। हाउ मैनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत, प्लंडर्ड मतलब होता है लूटना, ठीक है। तो कितनी बार लूटा सूरत को शिवाजी ने? दो बार लूटा भाई, ठीक है। और जो सूरत है उसको पावर दिखाई थी किसने? शिवाजी ने औरंगजेब को, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था औरंगजेब को इसको लूटने के बाद, ठीक है। 1664 के अराउंड इसको लूटा गया था, अब ये भी बता दूँ आपको 1664 के अराउंड, एंड दूसरी बार लूटा था उसने 1670 के अराउंड, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 236, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। हु हैड बिल्ट द अमीर फोर्ट, अमीर फोर्ट जो है किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा मानसिंह ने, ठीक है। और राजस्थान में है ये, जयसिंह, महाराजा जो जयसिंह है उन्होंने बनवाया था इसको, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चन आज के। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी के जो पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको उनको देखना है तो प्लीज़ उनको क्लिक करें और आप देख सकते हैं सारे के सारे पार्ट। थैंक यू।